फ्रेंड्स, कैसे आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी राइस, जो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, स्वादिष्ट रहता है। तो शुरू करते हैं। पहले 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लेते हैं। एक मराठी मोगो, एक इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, स्टार एनिस का आधा टुकड़ा डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फिर एक मीडियम साइज प्याज डाल के थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल के थोड़ा कच्चा अजवाइन डालने तक पकाएं। मैंने इसको रात अच्छे हुए रात के चावल से बनाया है। आप चाहे तो फ्रेश चावल से बना बच्चों को भेज सकते हैं। इसको फ्रेश चावल से भी बना सकते हैं। कटी हुई हरी मिर्च 2 या 3 डाल लें और अच्छी तरह पकाएं। थोड़ा सा पुदीना, धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें और थोड़ा सॉटे कर लें। मैंने इसको सिंपल इंग्रेडिएंट में बनाया है, होप आपको ये अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी रहेगा। आप एक बार एक रेसिपी ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। 2 मीडियम साइज टमाटर, नमक 1/2 टीस्पून नमक डाल के थोड़ा सॉफ्ट होने तक। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएं। मैंने पहले से ही 1 कप गोभी को उबाल कर रख लिया और इसको डाल के थोड़ा 2 या 3 मिनट के लिए पका लें। पहले से ही ये थोड़ा पका हुआ रहता है, तो ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 टेबल स्पून दही डाल के 2 या 3 मिनट पका लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। 2 कप उतना रात के चावल डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया डाल लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट पकाने पर रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।